अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर वॉर ऑफ म्यूटनी। ब्रिटिश इसे वॉर ऑफ म्यूटनी कहते हैं और हम लोग इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। सो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कुछ मेन करेक्टर देख लेते हैं जो इंडियंस की तरफ से थे। बहादुर शाह जफर, नेक्स्ट बेगम हजरत महल, देन झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। इन्होंने पहली गोली चलाई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। देन कुंवर सिंह है, ये हान बहादुर खान है, ये नाना साहिब है। अब ब्रिटिश की तरफ से हैं कर्नल निकोलसन, इस तरह का नाम है इनका। फिर सर ह्यूरोज हैं और कर्नल नॉयथ, ये मेन करेक्टर्स हैं। आगे फिर मैं जब डिस्कशन करूँगा तो फिर बताऊँगा कि कौन कौन से मेन सेंटर थे रिवॉल्ट के और कौन कौन लीड कर रहा था इंडियंस की तरफ से और कौन लीड कर रहा था ब्रिटिश की तरफ से। और अगर हम इसका एक फैक्ट देखें तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सारी नॉर्थ की तरफ लड़ी गई थी। साउथ साइड जो थी इंडिया की, जिसमें हैदराबाद, बंगाल, मैसूर वगैरह आ जाते हैं, ये सारे एग्जेम्प्ट थे। सारी वॉर ऑफ म्यूटनी नॉर्थ इंडियन की तरफ लड़ी गई थी, दिल्ली की तरफ साइड पे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आउटलाइन से। आउटलाइन में इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करेंगे, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से तरीके से डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन किस तरह आए और क्यों आए इंडिया में, और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान की मालिक बन बैठी है कुछ ही अरसे में। देन इसकी पोलिटिकल कॉजेज देखेंगे कि रिवॉल्ट की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसकी पॉलिटिकल कॉजेज क्या थी। देन इकोनॉमिक कॉजेज देखेंगे, फिर रिलीजियस कॉजेज देखेंगे, फिर मिलिट्री कॉजेज देखेंगे, और एंड पे फिर देखेंगे कि इमीडिएट कॉज क्या था, कि कैसे जो चिंगारी लोगों के दिलों में बन के उभर रही थी, नफरत के जज्बात थे, वो उन्होंने किस तरह एक आग पकड़ ली, फिर वो देखेंगे। और देन एंड पे देखेंगे कि ये म्यूटनी की जो वार थी, जो इंडिपेंडेंस की वार थी, वो फेल कैसे हो जाती है। देन फिर हम देखेंगे एक कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, ये कह लें कि जो इंडिया के लोग थे, इन्होंने एक अच्छे तरीके से अटेम्प्ट की, लास्ट अटेम्प्ट के तौर पे कह लें कि जो उन्होंने की कि ब्रिटिश का जो कौम है इसको यहाँ से बरसगीर से भगा दिया जाए। बट अल्टीमेटली ये फेल्यूर की तरफ जाती है, और इसमें ये नहीं है कि इसमें सिर्फ एक जो कौम थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान के जो लोग थे, एथनिक ग्रुप्स थे, जितने भी हिंदुस्तान में उस टाइम पे थे, उन सब ने ही पार्टिसिपेट किया। ऑल दो बट कुछ वजूहत के बिना पे ये जो है वार वो फेल हो जाती है। और इंडियन हिस्टोरियन है सुरेंद्र नाथ जी और रमेश चंद्रा साहब, इन्होंने कहा कि जो ये वार ऑफ म्यूटनी थी, ये ना तो नेशनल स्ट्रगल बन सकी, ना ये स्पाई म्यूटनी की डेफिनेशन में आती है। सो जब ये ना नेशनल स्ट्रगल है ना स्पाई म्यूटनी की डेफिनेशन में आती है, तो फिर अल्टीमेटली इसने फेल ही होना था। अगर नेशनल स्ट्रगल होती तो लोगों में जज्बा भी होता, काफ़ी देर कर्टेल भी कर जाते ब्रिटिशर के सामने। सो म्यूटनी भी इस हिसाब से नहीं थी, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स ने म्यूटनी की थी, कुछ ने नहीं की थी, कुछ कौमों ने, कुछ इलाकों ने वार ऑफ म्यूटनी जो है वो लड़ी, कुछ ने नहीं लड़ी। सो इस वजह से वो जो है वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ों में नहीं आती, ना नेशनल स्ट्रगल में ना स्पाई म्यूटनी में। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोगों के लिखा हुआ है पेपर के हिसाब से, अगर देखें तो ये बेस्ट है इतना लिखना, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 35 मिनट का वक्त होता है, तो उसमें ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक ठीक ठाक है और कंसाइज करके लिखा हुआ है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह आती है पाकिस्तान इंडिया में और क्यों आती है, कहां से आती है, क्या वजूहत थी कि यूरोपियन जो पावर है उन्होंने एशिया का रुख किया। सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले तो ये मैप है, आप इस मैप को चेक करें। यहाँ पे ऑटोमन अम्पायर होती है, ठीक है। ऑटोमन अम्पायर 1453 में जो सुल्तान होते हैं, ऑटोमन अम्पायर के सुल्तान मोहम्मद, या सुल्तान महमद भी इसे कहते हैं, सुल्तान मोहम्मद फातेह भी कहते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटिनोपोल या कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेते हैं। और फिर जो जितने भी यूरोपियंस पावर हैं उन पे कुछ ना पाबंदियाँ वगैरह लगा देते हैं,
तुम लोगों ने ये ट्रू रूट इस्तेमाल नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, इस तरह करके। तो पहले यूरोपियन के लिए था कि यही सारा समंदर है, ये यहाँ तक, ये इस इलाके तक, ये वाला। तो अब वो ट्रेड नहीं कर सकते थे, ट्रेड को खतरा था। तो उन्होंने थोड़े से कहा कि नए ट्रेड रूट हम जो है वो डिस्कवर करते हैं। तो यहाँ पे पुर्तगीज जो थे वो इस चीज़ में माहिर थे, इनके जो सेलर थे वो डिस्कवरीज वगैरह करते रहते थे। नहीं, तो पुर्तगीज यहाँ से चलते हैं, यहाँ से होते 1453 से लेके ये ट्राई करते रहते हैं कि हमने नया रूट जो है वो यूज़ करना है एशिया से ट्रेड के लिए। तो 1498 में ना पहली दफ़ा ये केप ऑफ गुड होप डिस्कवर कर लेते हैं पुर्तगीज। तो 1498 ये यहाँ से फिर होते हैं सीधे इंडिया पहुंच जाते हैं इस इलाके पे 1500 में। आगे मैप जब आएगा तो मैं अब आपको बताऊंगा, 1500 तक यहाँ पे पहुंच जाते हैं। हम लोग देखें ये 1500, 1501, देन 1500। तो यूरोपियन पावर जो है वो 16वीं सदी के आगाज से ही इंडिया में आना स्टार्ट हो जाती है। हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन की, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का तल्लुक जो था वो ब्रिटेन से था। तो हम ब्रिटेन को डिस्कस करते हैं। तो 15वीं सदी और 16वीं में ब्रिटेन में काफ़ी सिविल वॉर्स हुई, पहले पार्लियामेंट के राइट्स को लेके, फिर किंग के राइट्स को लेके, फिर प्रोटेस्टेंट आ गए, उनका जो है अथॉरिटी उनको लेके, पोप की अथॉरिटी को लेके। तो काफ़ी सिविल वॉर चलती रहती हैं ब्रिटिश में। तो जब 16वीं सदी आती है, 1600 आता है, तो एक कंपनी कॉइन को अपना जो इनका कहले कि बिजनेस मैप होता है वो लेके क्वीन के पास जाती है कि हम लोग अगर इंडिया से के साथ ट्रेड करें तो हमें इतना जो है मुनाफा हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। तो क्वीन क्योंकि वो पहले ही स्ट्रगल कर रही होती है उनकी इकानमी, तो वो मंजूरी दे देती है, अप्रूवल दे देती है, क्योंकि 13% उनकी जो है ना वर्ल्ड एक्सपोर्ट थी ब्रिटिश की, और वो भी थी एग्रीकल्चर। इनको ट्रेड की ज़रूरत थी। उस टाइम पे इंडिया 25% वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा था, ह्यूज मार्केट थी। तो उन्होंने कहा कि अप्रूवल मिल जाती है इनको, तो अप्रूवल मिल जाती है तो ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं सूरत में। सूरत में इनका काफिला चलता है और उसको लीड करते हैं सर विलियम हॉकिंस, सर विलियम हॉकिंस। लंदन में इनका मेन ऑफिस होता है जिसमें 35 एम्प्लॉयज होते हैं इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये आगे ट्रेड करना जो है ना वो स्टार्ट करती है। इससे पहले लीवेंट कंपनी आती है 1685 में ना, तो वो फेल हो जाती है, वो अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर पाती, क्योंकि उस टाइम पे जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी ना वो एक दूसरे के जो तजारती काफले होते थे उनको लूट लिया करती थी, और ये कानूनी तौर पे जुर्म नहीं समझा जाता था, एक फतह समझी जाती थी। तो इस वजह से वो कंपनी फेल हो जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, खैर शुरुआत में इनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है ना अपने फुटप्रिंट होल्ड करने के लिए। बहरहाल ये किसी ना किसी तरह जो है वो इसमें कामयाब हो जाते हैं अपना होल्ड कायम करने में इंडिया में। देन 1608 सर विलियम हॉकिंस ये अपना तजारती काफला लेके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ना आते हैं, और सूरत ये देख रहे हैं आपने यहाँ पे, सूरत इस मैप में भी नजर आ रहा है 1608 में, यहाँ पे सूरत में अपना पड़ाव डाल लेते हैं। वो अभी ये गुजरात में आता है, इंडिया के ना, इंडिया का जो गुजरात है उस इलाके में आता है। और उस टाइम पे बादशाह अकबर की हुकूमत होती है 1605 में, नहीं सॉरी 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, जहांगीर की हुकूमत होती है, जहांगीर की हुकूमत होती है, वन ऑफ द ग्रेट मुगल्स में से आता है ये। तो शुरू में इन्होंने हिंदुस्तान की जो सहली पट्टियां हैं वहां पे ही ना अपने फुटप्रिंट रखते हैं। आप लोग देख लें ये ब्रिटिश का ये फ्लैग है, ये सारे जहाँ जहाँ पे है ना ये सारे ब्रिटिश का फ्लैग है। तो ये यहाँ पे अपना शुरुआती दौर में ना फुटप्रिंट रखते हैं, क्योंकि इनके पास नेवी तो होती नहीं है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया नेवी तो थी नहीं। तो इन्होंने जो वीकनेस है इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पहले ही नोट कर ली थी। तो ये ना जितने भी
जो सी रूट होते हैं ना, सी रूट को उनके कब्जा करने के लिए साहली इलाकों पे आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था जमीन पे तो हम हमें टिकने नहीं देंगे, तो इसलिए ये साहली इलाकों में जो है ना अपने फुटप्रिंट जमाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इनको काफलों को काफी कह लें ब्रिटिशर को, उस टाइम पे यूरोपियन पावर्स ढेर सारी आई हुई थी, काफी सारी थी, तो इनको अपने फुटप्रिंट रखने में ना काफी मुश्किल पैदा हो रही थी। इन्होंने जहांगीर को जो है ना रिक्वेस्ट की कि काइंडली हमारे साथ कुछ कॉपरेट करें और हमें चार दीवारी जो सूरत में हमारी जो फैक्ट्री है उसकी जो चार दीवारी है वो हमें बिल्ड करने दे, और कुछ यानी कि हिफाजत के लिए आर्मी रखने की इजाज़त दे दे। सो जहांगीर उस टाइम पे नहीं समझ पाता कि ये क्यों कह रहे हैं, तो सर थॉमस राय की मदद से ये थॉमस राय को ना सफीर बना के भेजती है कंपनी कि आप उसको ना कन्विंस करें। 1615 की बात है, ये 1615 में सूरत में ये चार दीवारी बना लेते हैं, और फिर और भी सारी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक एक रिक्वेस्ट जब इन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो उन्होंने कहा कि हमें कई और इलाकों में भी फैक्ट्रियां बनाने की इजाज़त दे दें। तो मैप में आप देख लीजिएगा सब जगह पे नज़र आ रहा है कि किस इलाके में इन्होंने फैक्ट्री बनाई और कब बनाई, तो काफ़ी सारी ये फैक्ट्रीज बना लेते हैं। अब स्टार्ट में इन्होंने सारा फोकस ट्रेड पे रखा, क्योंकि ये फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को इकोनॉमिकली ना मजबूत करना चाह रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिकली मजबूत होंगे तभी वार लड़ पाएंगे या इनको मुगलों को चैलेंज कर पाएंगे। सो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिकली जो है खुद को बिल्ड किया, फिर इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया बरसगीर की या सब कॉन्टिनेंट की जो पोलिटिकल है पोलिटिकल पावर्स हैं उनको स्टडी करना स्टार्ट किया कि इनके कहाँ कहाँ लूप होल हैं, कहाँ पे इनकी कमजोरीज हैं, तो ये वहाँ पे इन्होंने जो है ना वो स्टडी करना स्टार्ट किया। 1647 आ जाता है, 1647 तक ये 23 फैक्ट्रीज बना लेते हैं, 1647 तक ये 23 फैक्ट्रीज बना लेते हैं। जब फैक्ट्री बना ली, इतनी फैक्ट्रीज हैं तो मैन पावर भी तो चाहिए होगी ना, तो ये मैन पावर जो है ब्रिटिश से मंगा लेते हैं, जिसमें आर्मी भी होती है, एम्प्लॉयज भी होते हैं और इनकी लेबर भी होते हैं, और कुछ लेबर ये लोकल को इंडक्ट कर लेते हैं। सो मैन पावर का मसला इनका हल हो जाता है, और फिर ये क्या करते हैं जी, फ्रांसीसियों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रांसीसियों के साथ मारना स्टार्ट कर देते हैं, और फ्रांसीसियों के साथ इनकी यूरोप में भी लड़ाइयाँ चलती हैं, नेपोलियन और नेपोलियन के साथ भी, और अफ्रीका में भी चलती हैं। सो फ्रांसीसियों के साथ यहाँ भी इनकी वार स्टार्ट हो जाती है, उसका फैक्ट यहाँ भी तो आना था ना, फ्रांसीसियों के साथ यहाँ भी इनकी वार जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे फ्रांसीसी ही मेन पावर थे, बाकी सारी लड़ती नहीं थी, किसी एक साइड के साथ हो जाती थी, पावर जो थी ना यूरोपियन जो स्ट्रांग होता था उसके साइड ले लेती थी। तो इन्होंने फ्रांसीसियों को मारना स्टार्ट किया और फ्रांसीसियों को ना भगा दिया। जब इनको फ्रांसीसियों को भगाया ना तो इन्हें लगा कि हम तो बहुत जो है वो मिलिटरीली स्ट्रांग हो गए हैं, तो अब हम ना मुगलों के साथ पंगा लेते हैं। उस टाइम पे बादशाह थे औरंगजेब साहब, औरंगजेब थे, तो इन्होंने मुगलों के साथ लिया पंगा। 1686 की बात है, कंपनी का डायरेक्टर होता है जी, उसका नाम होता है जोजिया चाइल्ड, जोजिया चाइल्ड कंपनी का डायरेक्टर है, और ये मुगलों के साथ पंगा ले लेता है 1686 में, और ये वार चलती है 1686 से 90 तक, और इस वार को भी वार ऑफ चाइल्ड कहते हैं, ठीक है, वार ऑफ चाइल्ड मतलब बचकाना हरकत की कंपनी ने। और इसमें देखें 1686 में मुगल जो थे वो काफी स्ट्रांग थे, इनकी मिलिट्री बहुत ताकतवर थी, एक किस्म के लैंड पे लड़ने के माहिर थे, उस टाइम की सुपर पावर थे लैंड की सब कॉन्टिनेंट पे, तो उनके साथ उन्होंने पंगा लिया। उन्होंने अच्छी तरह से ना औरंगजेब ने की फौज ने इनकी धुलाई की, वो कहते हैं कि मक्खियों की तरह मसल के रख दिया, ब्रिटिश जो कंपनी की फौज थी उसको मक्खियों की तरह मसल दिया। अब जब शिकस्त हुई इतनी इबरतनाक तो मिन्नतें तरलों पर आ गए, मिन्नतें की तरले किए कि काइंडली हमें यहाँ पे बिजनेस करने की इजाज़त है, हमसे गलती हो गई है, आइंदा हम आपसे जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। सो मिन्नत तरले करने में तो ये अंग्रेज है और चलने चलने में माहिर है ना, क्योंकि जब इनको जरूरत होती है आपकी तो ये कुछ भी करेंगे, आपके तलबे भी चाटेंगे, और जब निकल जाएगा टाइम निकल जाएगा फिर आपके गले भी पड़ेंगे, और यही हुआ। तब तो इनको मार पड़ी हुई थी, तो ये बादशाह के सामने जाते हैं और काफी मिन्नत तरले करने के बाद कंपनी की जो ट्रेड है ना इसको बहाल कर देते हैं, और 130 मिलियन डॉलर की उस टाइम पे ये कंपनी को फाइन भी करते हैं। सो अब इनको पता चल गया था कि
अभी पंगा नहीं लेना हमने मुगल अंपायर के साथ। सो ये अपना फोकस जो है ना वो ट्रेड की तरफ करते हैं, और ट्रेड में क्या करते हैं कि बंगाल में ना ये पोस्त की काश्त करना स्टार्ट कर देते हैं, पोस्त। और फिर बिहार, बिहार में ये अफीम की फैक्ट्री बना लेते हैं। अब अफीम की फैक्ट्री बना ली तो दोबारा इसको इंडिया में तो नहीं ना करते हैं, इंडिया में करेंगे तो इसका रिएक्शन आएगा, तो इन्होंने चाइना स्मगल करना स्टार्ट कर दी। चाइना स्मगल की शुरू में तो होती रही, अफीम ज़्यादा कर दी इन्होंने चाइना को, तो 1839 आ जाता है, 1839 का ईयर आ जाता है। उसमें क्या होता है जी, ये चाइनीज ब्रिटिश के खिलाफ जो है ना एक जंग लड़ते हैं कि हमने नहीं अफीम आपको यहाँ पे स्मगल करने देनी, आप कहीं और जाएं। सो ब्रिटिश जो है वो अपने इंटरेस्ट की खातिर वार लड़ते हैं और चाइनीज को शिकस्त दे देते हैं। अब शिकस्त दे दी तो ये धड़ाधड़ स्मगल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो छुपके कर रहे थे वो खुलेआम करना स्टार्ट कर देते हैं अफीम की काश जो सप्लाई होती है। और साथ ही जो हांगकांग की, आई थिंक हांगकांग ही है, हांगकांग की जो पोर्ट होती है ना उस पर भी कब्जा कर रहते हैं, और उसका कब्जा आई थिंक 1997 तक रहता है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1997 तक हांगकांग की पोर्ट पे कब्जा रहता है ब्रिटिशर्स का। सो अब इन्होंने इधर इंडिया से निकल के चाइना का रुख किया, चाइना से काफी माल कमाया और अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहे कि कब हमारी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो लकीली 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और इसकी डेथ के बाद ही जो है ना वो स्टेट्स वर्सेस स्टेट, इंडियन स्टेट जो है ना वो आपस में सिविल वार पे आ जाती है। अब सिविल वार होती है तो ये कंपनी कहती है कि ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। और पॉलिटिकल पावर जो है ना वो, पैसे तो उनके पास जारी बात है पहले ही थे, तो पॉलिटिकल पावर जो है ना वो गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी एक स्टेट के साथ अलायंस बनाया, कभी दूसरी स्टेट के साथ अलायंस बनाया, तो इस तरह जिस स्टेट के साथ अलायंस बनाया उससे भी पैसे लिए, जिस स्टेट के खिलाफ जंग लड़ी उसमें भी जो माले गनीमत आता था उसमें भी ये काफी ज्यादा शेयर ले लेते थे। सो इन्होंने दोनों हाथों से कमाया, एक बिजनेस करके कमाया, एक वार करके कमाया। सो जब नेक्स्ट ये चलते हैं, चलते चलते ये पहुंच जाते हैं 1757 तक, यही काम कार करके ना बंगाल में अच्छी खासी कमाई होती है। नवाब सिराजुद्दौला कंपनी की जो हरकतें होती हैं ना इसको पहचान जाते हैं और काफी इनको रोकने की कोशिश करते हैं, बट अपनों की गद्दारी, मीर जाफर जो है वो कंपनी के साथ मिल जाता है, क्योंकि इसको लालच होती है कि इस नवाब सिराजुद्दौला को हटा के ये खुद जो है ना वो बादशाह बन जाएगा। तो वारा खुरासी होती है और इसमें ब्रिटिशर अच्छी खासी जो है ना वो शिकस्त देते हैं नवाब सिराजुद्दौला को, और मीर जाफर को जो है ना वो अगला हुक्मरान बना देते हैं। लेकिन मीर जाफर जब टाइम गुजरता है ना तो इसको पता चलता है कि मैं तो पपीट हूँ, असल हुकूमत तो गोरे कर रहे हैं। सो ये उससे उनसे निजात हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। अब ये मीर जाफर को उठा के आगे किसी और को, आई थिंक मीर कासिम को लगा देते हैं नया गवर्नर बंगाल का। 1757 तक हो गया, 1757 के बाद ये डिफेक्टो रूलर बन जाते हैं ऑलमोस्ट बंगाल के ना। तो मुगल को जब ये बात पता लगती है तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, और इसमें आई थिंक तीन फोर्सेस होती हैं, दी मुगल किंग की एक होती है, मुगल किंग की, नवाब ऑफ अवध की, और एक और नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद, आई थिंक नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद। इन तीनों की कंबाइन फोर्सेस को बैटल ऑफ बक्सर में ना, बैटल ऑफ बक्सर में इनको शिकस्त दे देती है कंपनी, बैटल ऑफ बक्सर में। अब ये कहना कि मीर जाफर की वजह से शिकस्त हुई 1757 में, आई थिंक ये गलत है, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में तीन फोर्सेस को कंबाइन इन्होंने शिकस्त दी, तो मिलिटरीली ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। सो 1765 फिर आ जाते हैं, 1765 में ये मुगलों के साथ डायरेक्ट पंगा लेते हैं। शाह आलम उस टाइम पे हुक्मरान होते हैं, शाह आलम को अच्छी खासी ये शिकस्त दे देते हैं, बड़ी इबरतनाक किस्म की। तो इसका रूल सिर्फ ऑलमोस्ट दिल्ली के कुछ इलाकों तक रह जाता है, दिल्ली के कुछ इलाकों तक रह जाता है, बाकी सारा इनडायरेक्टली रूल करते हैं, कंपनी रूल करती है। इतने में कह लें कि 1770 आ जाता है, 1770 इसमें बंगाल का एक फैमिन आता है, बंगाल का फैमिन आता है जिसमें ऑलमोस्ट कहते हैं कि जी 1 करोड़ लोग मारे गए। इसमें कंपनी ने जरा सी भी मदद नहीं की लोगों की ना, लोगों को कोई खुराक दे देंगे इस किस्म की, कोई
इकोनॉमिकली इनकी मदद करते हैं, लेकिन कंपनी ने क्या किया, टैक्स ज्यादा और लगा दिए। इससे हालत बद से बदतर हो जाती है लोगों की, हालत बद से बदतर होती जाती है, लेकिन कंपनी कुछ नहीं करती। सो कंपनी के खिलाफ लोगों के जज्बात जो है ना वो भड़कने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके साथ ही कंपनी की जो ये जो सारी हरकतें होती हैं ये ब्रिटिश पार्लियामेंट तक भी चली जाती हैं 1770 से ही। सो आगे फिर हम अगर चलते हैं तो मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार होती है 1782। 1782 में ये लड़ते हैं टीपू सुल्तान के खिलाफ, इसमें टीपू सुल्तान इनको शिकस्त दे देते हैं। देन 1784 इसमें भी शिकस्त दे देते हैं। अब कंपनी थोड़ा सा ब्रेक लेती है और ना हालातों वाकयात को समझना स्टार्ट करती है, और 1799 इसमें टीपू सुल्तान को भी शिकस्त दे देती है। टीपू सुल्तान एक सिर्फ एक आखिरी किंग होता है जिन जिसका इनको खतरा होता है, लेकिन इनको शिकस्त देने के बाद कंपनी अब पूरी तरह समझ जाती है कि अब सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत है, अब हमें कोई और बंदा चैलेंज करने वाला नहीं रहा। सो 1799 ये हो सकता है कि टीपू सुल्तान इनको डिफीट कर देते, लेकिन मराठे भी साथ इनके मिल गए थे। सो इस वजह से भी अपनों की जो गद्दारी है ना ये बार बार हम लोगों को मरवाती है, बार बार मरवाती है, बार बार मरवाती है। और अभी तक भी इन्होंने, ब्रिटिशर को पता था कि हमने इंडिया को किस तरह डिवाइड करना है, और इंडिया और पाकिस्तान को इस तरह डिवाइड किया कि इनका कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म ही ना हो, और ये आपस में ही लड़ते रहे। आज भी अगर सारे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गए, अगर हम लोग ट्रेड पे, इकॉनमी पे तवज्जो दें, तो मे बी हो सकता है कि जो बैक इन हम 15 और 16 सेंचुरी में थे वही हम लोग इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाए। खैर आगे आ जाते हैं 1813 में। 1813 में क्या होता है जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है, और इसमें जो कंपनी की थे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं ना इनको लिमिटेड कर दिया जाता है। नेक्स्ट 1834 आ जाता है। 1834 में कंपनी को मजीद कह लें कि इससे ट्रेडिंग जो इसके अख्तियारात होते हैं वो छीन लिए जाते हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक मार्का होता है 1857 का, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक कई शिकायत जाती हैं कंपनी की ना, तो वो फिर नोटिस लेना पड़ता है कंपनी पार्लियामेंट को। 1857 में एक वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, और ये पूरी जो कौमें हैं वो कंपनी के खिलाफ आ जाती हैं, और कंपनी को इतना लॉस होता है कि एट लास्ट कंपनी को बंद करना पड़ जाता है, और इसके बाद इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश राज के अंदर चला जाता है, ब्रिटिश राज। शशि थ्रोर एक राइटर है, शशि थ्रोर वो अपनी किताब में क्लेम करते हैं कि 42 ट्रिलियन डॉलर ब्रिटिशर ने यहाँ से लूटे हैं, यहाँ से लेके गए हैं, आई थिंक 1738 से 1765 से 1938 तक, और 1938 के बाद वर्ल्ड वार वन इन्होंने हमारे हर्चे से लड़ी, वर्ल्ड वार टू इन्होंने हमारे हर्चे से लड़ी, और लफज लूट जो है ना इंग्लिश डिक्शनरी में ये पहला लफज था जो बरतानवी या डिक्शनरी में या बरतानवी जो इंग्लिश है उसमें जो शामिल हुआ वो लूट था हिंदुस्तान की तरफ से। सो इन्होंने बेदर्दी से लूटा। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इसका वार के जो काजिज थे वो क्या क्या थे, क्योंकि अगर एक लेक्चर में करने की कोशिश करूँगा तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो अभी तक मैंने आपको एक इंट्रो दिया, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया, कुछ हीरोज़ के बारे में बताया जिन्होंने वार ऑफ म्यूटनी को लीड किया, और कैसे कंपनी आती है और क्यों आती है ये चीज़ मैंने आपको आपके साथ डिस्कस की, एक ब्रीफली थॉरली डिस्कस किया। कहने को जितने मैंने आपको इवेंट्स बताए हैं इन सब पे एक एक वीडियो बन सकते हैं, लेकिन उसका काम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कॉजेज़ क्या क्या थी इस वार की, किस वजह से जो है ना ये इंडियन जो लोग थे वो कंपनी के खिलाफ हो गए, और कंपनी को ऑलमोस्ट इन्होंने बैंकरप्ट कर दिया। आई थिंक 1864 तक कंपनी तारीख के अवराक में रही है, 1864 के बाद अब इसका नाम शायद जो तारीख के अवराक में बिल्कुल गुम हो गया, और आजकल एक लंदन में एक स्टोर है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट्स इट, बस ये चीज़ है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।